अश्वाची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या सारंगखेड़ा येथे घोड्यांचा बाजार भरला आहे। यंदा उत्तर प्रदेश बरेली येथील राधा घोडी बाजाराचं मुख्य आकर्षण ठरत आहे। राधाची अदा, तिचं सौंदर्य, तिची चाल आणि रुबाब अनेकांना भावला आहे। या राधाची किंमत ऐकून तुम्हीही चकित व्हाल एवढं नक्की। या राधाची खासियत आहे तरी काय, तिची देखभाल कशी केली जाते पाहूयात। ये 6 साल की अभी इसकी कीमत रखी गई। वैसे तो 1 करोड़ है मांगने में, 65 लाख तो लगा, उसका दिया नहीं। आतापर्यंत 71 माप है, 70 लाखांची बोली लागली है। मात्र मालकाला ही घोड़ी विकायची नाही, कारण ती जात का नाम है राधा। ये खाने में दूध, मक्का, चापड़, ये सब घास बास ये सब खिलाते हैं। डेली का 7 लीटर दूध और सब टोटल चारा देते हैं उसको 14 लीटर, पानी वानी सब मिक्स टोटल करके। वहाँ पे पूरा 71। इसकी हाइट कितनी और कितने साल की है? 6 साल की हाइट है, 71। राधा नाम है इसका, कंफर्म। इसको दिन में कितने टाइम खाना खिलाते हैं और कितने लोग इसकी देखभाल करते हैं? दिन में 3 टाइम खाना खिलाते हैं, 3 से 4 टाइम दूध। 3 टाइम खाना, 1 टाइम दूध देते हैं। उसकी सेवा में 3 लड़के रहते हैं हमेशा, हर टाइम 24 घंटे। रात को 2 हो जाते हैं, दिन में 3 ही रहते हैं। अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में कुछ अलग तरह का खाना खिलाया जाता है क्या? हाँ, ठंड में ऐसा बाजरी ये सब गरम जो गरम होता है वो सब देना पड़ता है। गुड़ और चना देते हैं रात में इसको। गुड़ चना देने से इसको क्या ठंड नहीं लगेगी। बाकी वैसे केबिन पूरा पैक कर देते हैं, ठंड आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पे क्या ठंड कम रहती है महाराष्ट्र में, हमारे उधर ठंड ज़्यादा रहती है, इसलिए माहौल में पहले से ढला हुआ है। कौन सी जात है ये? नुकरी 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 जात में आता है, नुकरी नस्ल बोलते हैं उसको। आपल्यालाही घोड्यांच्या वेगवेगळ्या अदा, त्यांचा रुबाब आणि वेगाचा थरार अनुभवायचा असेल तर सारंगखेड़ा येथील घोडे बाजाराला नक्की भेट द्या। कृपया आप पहले गेट बाहर आ जाए, दौड़ता हुआ घोड़ा अगर आप पर आ जाए